अन्योन्य रोबोन मन्ना सुभंगा होयो। दोस्तों, एज अ बीटीएस आर्मी हम सभी बीटीएस से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न्यू बीटीएस आर्मी नहीं जानती। तो आज मैं आपको बीटीएस मेंबर वी के बारे में एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी हमारे तेते की ही तरह हार्ट ब्रेकिंग फील करेंगे। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप बांगतन बॉयज के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बांगतन मेंबर वी से जब भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वे हमेशा अपने फादर का नाम लेते हैं। और बीटीएस आर्मी भी इस बात को अच्छे से जानती है कि तेते अपने फादर के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं जानते होंगे कि वी अपने फादर से भी ज़्यादा अपनी ग्रैंड माँ यानी हारमोनी के सबसे ज़्यादा क्लोज थे, और इस बात को उन्होंने खुद एक कॉन्सर्ट में रिवील किया। 2016 में जब बांगतन बॉयज अपने थर्ड कॉन्सर्ट टूर पर थे, तब फिलीपींस के एक कॉन्सर्ट में बीटीएस आर्मी ने देखा कि स्टेज पर सभी मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन तेते स्टेज पर नहीं आए। उस टाइम बीटीएस आर्मी वी के स्टेज पर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूरा कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वी स्टेज पर आए और उन्होंने आर्मी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनने के बाद बीटीएस आर्मी भी काफ़ी परेशान हो गई, जिसके बाद वी ने कहा कि उनकी हारमोनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं और वे अपने काम की वजह से उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए। इस पूरे मौके पर तेते काफ़ी इमोशनल थे और आर्मी से अपनी बात शेयर करते हुए कहा कि वे अपनी ग्रैंड माँ के सबसे ज़्यादा क्लोज थे, क्योंकि उन्होंने 14 ईयर्स तक उनकी देखभाल की थी। आगे वी ने कहा कि उनकी ग्रैंड माँ का सपना था कि वे तेते को टेलीविज़न पर देखें, और इसी तरह तेते का सपना था कि वे अपनी ग्रैंड माँ के साथ टेलीविज़न पर एक बार इंटरव्यू दें, जिसमें वे बता सकें कि उनकी ग्रैंड माँ ने उनके लिए क्या क्या किया है। आगे वी ने कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं वो उनकी ग्रैंड माँ की ब्लेसिंग की वजह से ही हैं, जिसके बाद उनके सबसे क्लोज फ्रेंड और बीडीएस मेंबर जिमिन ने उनको गले लगा लिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वी की ग्रैंड माँ उसी दिन इस दुनिया को छोड़ कर गई थी जिस दिन बांगतन बॉयज ने उनके ब्लड स्वेट और टीयर्स सॉन्ग का फर्स्ट अवार्ड विन किया था। दोस्तों, आप इस न्यूज़ को जानकर काफ़ी सेंटी फील कर रहे होंगे, और ये सच भी है कि वी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन एज अ बीटीएस आर्मी हम तो यही चाहेंगे कि बीटीएस मेंबर्स ने जो भी सपने देखे हों वो सारे ड्रीम्स उनके पूरे हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको इस न्यूज़ के बारे में पता था। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, द मेथो बायो।